कैसा परिणाम रहा है? जैसा कि हम सब जानते हैं आज रिजल्ट डे है, मैं सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं और अभी हम जानेंगे रिजल्ट के थ्रू फीडबैक लेंगे पेरेंट्स से और आगे उनके बच्चे के भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे स्कूल के बारे में फीडबैक लेंगे, कैसा क्या उनको अनुभव रहा है अभी तक स्कूल के लिए और रेटिंग लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट टुडे? इनफैक्ट आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी द सराउंडिंग ओवर हियर। द एनवायरनमेंट इज वेरी कंड्यूसिव। इट इज अ क्वाइट अ डिफरेंट डे टुडे बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट डे। एवरीबॉडी इज वेरी मच एक्साइटेड एंड दे आर ऑन देयर फूड आई मस्ट से। कहना चाहेंगे अभी यार रिजल्ट के बारे में? सर इस बहुत बढ़िया रिजल्ट है और 12% बने आपके बच्चे। परसेंट तो मैंने देखा सर, पर बहुत बढ़िया रहा सर। 78.6% संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हूँ सर। इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको? हाँ। पिछले स्कूल मतलब इस स्कूल में शुरू से? हाँ शुरू से ही। मैं बहुत खुश हूँ सर। संतुष्ट है, पहले वो पुराने स्कूल में थी, उसके बाद इधर एकेडमी में। हाँ एकेडमी में तो 2 साल तो कम रहा, पर इस साल अच्छा सुधार हुआ है। तो इस साल से कुछ चीज़ें बेटर हो रही है क्योंकि कोरोना का इफेक्ट था पहले, तो अब थोड़ा सुधार आ रहा है धीरे धीरे और आएगा और आएगा। तो इसके लिए सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, कैसा परिणाम रहा आपके बेटे? बढ़िया रहा सर। संतुष्ट हैं आप? जी सर। ठीक है धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। कैसा रहा रिजल्ट आपका? बहुत अच्छा रहा और बढ़िया, अच्छा पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, स्कूल बहुत बढ़िया है। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल हैं बिल्कुल, और भविष्य में और प्रोग्रेस होगी इस स्कूल की। जी धन्यवाद। कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट एक नंबर रहा सर, और पढ़ाई भी अच्छी चल रही सर, और हम इससे सेटिस्फाइड सर, बहुत सेटिस्फाइड है। बिल्कुल ठीक है धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर, कैसा रहा परिणाम आज का रिजल्ट? बढ़िया रहा बच्ची का। तो आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट। कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना चाहिए? मतलब सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं और मतलब जो चीज़ उम्मीद रखते हैं स्कूल से वो उस पर खड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसा रहा परिणाम आज का बच्ची का? बच्चे का परिणाम बहुत अच्छा रहा। बच्चे के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर में बहुत इम्प्रूव है और इसी साल बच्चे का एडमिशन करवाया हमने और हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है? बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ यूँ, और बच्चे का अभी टॉप 10 में फोटो भी लगा है कि मतलब पिछले साल से उसका रिजल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट रहा है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे स्कूल को? 10 में से 10 देने चाहेंगे। धन्यवाद आपका। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं जो कि फेम गुरुकुल इंटरनेशनल पढ़ते हैं, और 3 बच्चे में फर्स्ट वाली बालिका मेरी 11th कॉमर्स में जो है, और सेकंड वाली मेरी माही जो 8th A, उसके बाद जो बच्चा है मेरा आदर्श वो 1st A में है। तो बहुत बढ़िया रहा सर, इस बार मैं अपनी जो फर्स्ट वाली गुड़िया है निधि, उसने टॉप किया है कॉमर्स में, 1st रैंक बनी है, 83%। उसके बाद मेरी सेकंड वाली गुड़िया है माही, तो उसका भी 85 बना है, और जो आदर्श है उसका 94, और बहुत अच्छा किया है उन्होंने, है ना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल के सभी स्टाफ का जिन्होंने अच्छी मेहनत करी, और साथ साथ अपने बच्चों का भी जो अच्छी मेहनत करी है और अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। तो मैं सुनील कुमार सर और ब्रिजेश सर, अपने पिल्ले सर और भरत सर, चारों का, और मेरे मित्र हैं भरत सर खास करके, है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ठीक है, अच्छा लगता है स्कूल के बारे में, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी अच्छा आया वाला। गुड मॉर्निंग सर, मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से? मेरा नाम कमल किशोर मंडलोई है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर ही स्कूल से आप ज्वाइन हुए, तो आप मुझे बताएंगे आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक है, आपका प्रोग्रेस किया नहीं है? हाँ प्रोग्रेस हुआ है, आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं और भी आप अच्छा करें। ऑन अ स्केल 1 to 10 आप क्या रेटिंग देंगे? मैं 8 नंबर। सर वेरी गुड, मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से? मैं सूरजपुर से। ओके, सार्थक का रिजल्ट कैसा था अभी? सार्थक का रिजल्ट जैसा उसने कमिट किया था उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री है। ओके, तो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ आपका एडवाइस सजेशन स्कूल के लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए अभी वैसे ठीक चल रहा है,
बस गेम्स में थोड़ा सा ध्यान कम है, तो गेम्स में देयर मस्ट बी सम मोर पीरियड, और उसके बाद में बोले फुटबॉल के लिए टाइम नहीं दे पाते, बोले वॉलीबॉल वगैरह पे अच्छा ध्यान देते हैं, तो सारे गेम्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बस मेरा ये थोड़ा बहुत सजेशन रहेगा। नमस्कार सर, कैसा परिणाम रहा आज? सर बहुत बहुत बढ़िया परिणाम निकला इनका, मैंने तो सोच के मतलब असल चकित ही हो रहे हैं कि वजह पर रिजल्ट ही बना है, और अच्छा बहुत बढ़िया लगा हमें, मतलब इम्प्रूवमेंट है पहले से सर, जहाँ पहले से थे उससे अच्छा है, यहाँ रिजल्ट बहुत बढ़िया बना है इनका। ठीक है, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा परिणाम बच्चे का आज? फर्स्ट में तो नहीं है अभी, लेकिन और सेकंड का है, लेकिन फिर भी संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? हाँ है गुंजाइश। ठीक है, थोड़ा होगा इम्प्रूव अभी। इसी साल लिया एडमिशन? हाँ इसी साल है फर्स्ट में। ठीक है, अभी होगा देर, अभी 4 महीने ही हुए हैं, तो अभी और कैचअप करेगा वो। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा रहा परिणाम, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। और आगे के लिए क्या बताना चाहेंगे? बस बच्चे ऐसे मन लगा के पढ़े, आप भी उन पे थोड़ा प्रेशर डालें। बिल्कुल सर, धन्यवाद। कैसा रहा रिजल्ट, और कैसा संतुष्ट हैं, या फिर कितने नंबर देना चाहेंगे? रिजल्ट तो अच्छा रहा, संतुष्ट हूँ मैं, लेकिन क्या है पिछले साल से रैंक थोड़ा सा डाउन हो गया है इसका। पिछले साल फर्स्ट रैंक में था, अभी 6 नंबर पर आ गया है, यही चाहता हूँ और थोड़ा सा प्रोग्रेस करे ताकि वही बरकरार रहे, इसकी रैंक बनी रहे। ये हो जाएगा, अभी आधा सेशन हुआ है, आधा सेशन में इम्प्रूव करेगा, एक दो सब्जेक्ट जो भी पीछे रह गया होगा हो जाए। बिल्कुल ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। कैसा परिणाम रहा आज? रिजल्ट तो इसका काफ़ी अच्छा है, और कंप्लेन बस थोड़ी सी ये है बच्चे की कि बातें ज़्यादा करता है, बाकी तो सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा बोला है कि पढ़ने में अच्छा है, और रिजल्ट भी इसका काफ़ी अच्छा रहा है, 97.3% बना है। सर कैसा रहा बच्चों का रिजल्ट? बहुत बढ़िया गया। आप संतुष्ट हैं रिजल्ट से? संतुष्ट है। और आप कुछ बताना चाहेंगे कि स्कूल में पढ़ाई की या कैसे गतिविधियों में और कुछ आप चाहते हैं? नहीं, बढ़िया चल रहा है। और आपको पता है आपकी बच्ची सिलेक्ट हुई है जेवलिन थ्रो में भी? अभी आपके गुड आफ्टरनून दीपांशी, कैसा रिजल्ट आपका? सर अच्छा है। क्लास में कौन सी रैंक बनी आपकी? फर्स्ट रैंक बनी। yes, तो सर आप क्या बताना चाहेंगे आपके बच्चे का रिजल्ट के बारे में? बढ़िया रहा सर उसका, मेहनत भी करती है, टीचर भी अच्छे मेहनत करते हैं जैसे अलग, और वो भी करती है घर पे मेहनत, तो उसका फल मिला है। फल मिला है, यानी कि मेहनत का फल मिल रहा है ना। तो और कोई सजेशन आप देना चाहेंगे सर? स्कूल बढ़िया है, स्कूल बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया है ना। तो आप फर्स्ट आया है ना, अब अपने को मैं आपसे एक उम्मीद और करता हूँ, आप क्लास में फर्स्ट आए ना, मैं उम्मीद करूँ आप स्कूल में फर्स्ट आए। ओके, आप करेंगे? यस सर। ओके थैंक यू सर। अच्छी रिजल्ट मिल गया आपको? कैसा रिजल्ट मैडम, कैसा रिजल्ट इनका? बहुत बढ़िया रहा सर। कौन सी रैंक लगी है? 93% बने, 99% बने। और इस साल एडमिशन हुआ ना? नहीं सर। हाँ पिछले। तो कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत अच्छा सर। और कोई सजेशन आपका स्कूल के प्रति के पढ़ाई के लिए कुछ? नहीं सर, बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, मतलब एक्टिविटी भी और स्कूल का भी बहुत अच्छे से, कोई शिकायत तो नहीं? नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू सर। रिजल्ट कैसा? अच्छा रहा सर। कुछ स्कूल के लिए परफॉर्मेंस के बारे में? नहीं बहुत बढ़िया है, ओवरऑल बहुत बढ़िया, अच्छा रहा है। दोनों स्केल 1 to 10 आप क्या रेटिंग देंगे? बढ़िया है सर, बढ़िया। हाँ स्कोर कितने बने? स्कोर इसके सर इसमें आए 87 बने। अच्छा स्कूल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में? सर स्कूल बहुत बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं। जो एक्टिविटीज हमारे यहाँ की जाती है बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा है। स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो परफॉर्मेंस हमारे द्वारा की जाती है? नहीं अच्छा चल रहा है स्कूल तो, एक्टिविटीज जो कराई जाती है बच्चों के लिए समझ में आती है, होता है हेल्पफुल होती है सब चीज़ें? बिल्कुल। थैंक यू। मानना है कि हर एक एजुकेटर को क्रिएटिव होना चाहिए, नए जमाने के साथ चलना चाहिए, नई नई चीज़ें अप्लाई करना चाहिए। हम खुद ही क्रिएटिव नहीं होंगे तो बच्चों को क्या क्रिएटिविटी हम करेंगे? अभी आप देख पाएंगे जो भी हमारे पास साधन अवेलेबल है उस हमने बहुत सारी अच्छी तैयारी की है। जैसे आप नमस्ते मैम। नमस्ते। अनन्या की फर्स्ट रैंक है, ये कुछ कहना चाहेंगे आप स्कूल के लिए? बहुत बढ़िया, अच्छा काम लगा मुझे स्कूल का भी, और बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चे अच्छे से समझते भी हैं, पढ़ पाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक्टिविटी समाज द्वारा की जाती है उसके लिए कुछ हेल्पफुल है? हाँ जी सर बिल्कुल हेल्पफुल है।
रूहानी मंडल। नमस्ते सर। नमस्ते। कुछ कहना चाहेंगे रिजल्ट के लिए आप? रिजल्ट के लिए यही कहना है हमको कि और बच्चों का जो है स्वर्णिम भविष्य के लिए निरंतर प्रयास जारी रहे, जहाँ तक आए हैं वहाँ पर ये स्टॉप नहीं हो, आगे बढ़ते रहें, यही चाहेंगे। स्कूल के लिए आप कहना चाहेंगे कैसा रिजल्ट रहा? हाँ, मैं मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी बच्ची का रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है और मैं गर्व करती हूँ इस स्कूल पर, सर टीचर पर। थैंक्स थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स कि बच्चों की इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है। मतलब 1.5 साल में मेरी बच्ची इतना अच्छा बहुत कुछ सीख गई है। बस तो पहले से अभी मैं आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है कुछ? बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, बच्ची भी बहुत अच्छे से कवर कर रही है और सर टीचर भी बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं सब कुछ। ये जो एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती है इसके लिए सर? एक्टिविटीज़ बहुत बहुत अच्छी है, इससे क्या है कि बच्चों को बहुत कुछ सीखना मिल रहा है। उसका कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं बच्चों के लिए? एडिशनल चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं वहाँ पे? बहुत है या नहीं सीख रहे हैं ना, बहुत बहुत कुछ सीखा है। मतलब अभी बच्ची का ही बोल रहा हूँ, मेरी बच्ची का ही बोलना चाहती हूँ मैं कि वो भी बहुत कुछ सीख गई है, एक्टिविटी से सीखी है कुछ, सर टीचरों ने भी मतलब पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। ठीक, थैंक्स। ऑन अ 1 to 10 आप कितना रेटिंग देंगे? मैं 10। 10 out of 10। थैंक यू। Thank you.